सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जी हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपका आईफोन में दिख जाएगा। तो चलिए गाइज, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि चीज़ें आप कैसे अपने आईफोन में कर सकते हो। तो गाइज, सबसे पहले आपको इस फीचर्स का यूज़ करने के लिए iOS 18.1 पे अपडेट होना पड़ेगा। देख सकते हो, आपको नया सॉफ्टवेयर दिख जाएगा iOS 18.1। अगर आपने इसे अपडेट नहीं किया है तो इंस्टेंट जाके इसे अपडेट कीजिए। अपडेट के बाद जो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स है आपको अपने आईफोन में यूज़ कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी का कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो कैसे आप कर सकते हो, चलिए बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं जाके किसी को भी कॉल लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैं कंपनी को कॉल लगा लेता हूँ। यहाँ पे जस्ट कॉल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो कॉल पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है जो कि भी नॉन एडिबल है। यहाँ पे मैं कोई भी क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे सामने वाला बंदा कॉल उठाएगा, देख सकते हो कि यहाँ पे इसमें कंपनी ने कॉल उठाया और यहाँ पे मुझे जो ऑप्शन अभी जो ग्रे में दिख रहा था, अब वहाँ पे मैं क्लिकेबल कर सकता हूँ। तो जस्ट मुझे इस पर टैप कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टैप करूँगा तो 3 सेकंड के बाद यहाँ पे देख सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। हालांकि जिससे जिनको जिनसे आप बात कर रहे हो उनको नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है। देख सकते हो यहाँ पे 4 सेकंड 5 सेकंड तक कॉल रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुका है। जो भी वो बोल रही है यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको म्यूट किया हूँ तो इसलिए जो वे भी वो हिल नहीं रही, खाली वाला वे हिल रहा है क्योंकि वो सामने वाला बंदा बोल रहा है, ठीक है। चाहे तो अगर आप इसको बंद करना है कॉल रिकॉर्डिंग को, तो यहाँ पे जो पॉज बटन दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे जबकि कॉल रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। तो अब इसे आपको देखना है कि भाई मेरा कॉल रिकॉर्डिंग किधर गया, मुझे यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको नोट्स एप्लीकेशन जो एप्पल का मिलता है जो इनबिल्ड होता है, इस पर आपको जाना है एंड यहाँ पर बैक आना है। तो देख सकते हो कि सामने 11:22 का जो कॉल रिकॉर्डिंग हुआ था सामने आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है एंड जो भी आपसे बात हुई है। तो देख सकते हो आप जो भी आप जिससे बात करते हो उनका जो कॉल रिकॉर्डिंग है पूरा हिस्ट्री है यहाँ पे आ जाएगा, और इसलिए यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी आईफोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गेट टिप्स को।